हाँ साहब चलो ये लो। हाँ चलो। जल संसाधन इंदिरा गांधी नहर परियोजना महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट मिले हैं, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? सबसे पहले तो देखो साथियों, पानी एक ऐसा मुद्दा है, चाहे वो पीने का पानी हो या खेती का पानी हो, राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण ये मुद्दा है और विभाग है। अभी मैंने अपने विभाग के अधिकारियों से बैठक ली है और राजस्थान में जो वर्तमान में स्थिति है और भविष्य के लिए हमको क्या करना है, इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन बड़े प्रोजेक्टों को बहुत जल्दी हम हाथ में लेंगे। जैसे कि अभी 13 जिला का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो भारत सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त सहयोग से प्रारंभ होने जा रहा है और बहुत जल्दी इस काम को हम पूरा करेंगे, हाथ में लेंगे, ताकि राजस्थान के 14 जिले जो पेयजल के लिए भी काम आएगी और खेतों को पिलाने के लिए भी पूरा होगा। इस प्रकार की योजना, हाँ इसी की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा उसमें मुद्दा केंद्र से सहयोग नहीं मिलने का मुख्य रहा है। नहीं, भले ही वो केंद्र सरकार की तरफ से नहीं रहा हो, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि केंद्र सरकार को मनाएंगे और योजना राजस्थान के लिए बहुत फिजिबल है और केंद्र सरकार नहीं भी मानेगी तो भी हम राजस्थान सरकार के हेड से भी इस काम को हाथ में लेके पूरा करेंगे। सर केंद्र में भी गजेंद्र सिंह शेखावत है जो राजस्थान से हैं। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं, भाई राजस्थान के हैं तो राजस्थान के साथ उनका तो न्याय तो करेंगे और राजस्थान का जो हक है, जो हमारा ग्रांट मिलता है, वो राजस्थान को मिलना चाहिए जनता के हित में। कई बार विधानसभा में कहा गया है कि राजस्थान के जो बीजेपी के सांसद है और यहाँ के जो बड़े नेता है उनको भी सेंटर में बात करनी चाहिए इस बारे में। हाँ, वो करते हैं तो वो क्रेडिट मिलेगा, नहीं करते हैं तो उनको नुकसान है, हमको क्या नुकसान है। आपके क्या प्रयास रहेंगे इसमें? हम हमारी तरफ से भारत सरकार के साथ में पूरी ताकत से बात करेंगे। सांसद महोदय से सहयोग लेना पड़ा तो लेंगे, केंद्रीय मंत्री जी से सहयोग लेना पड़े तो लेंगे और राजस्थान का प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मिलना पड़े तो मिलेंगे। सर, पंजाब पड़ोसी राज्य आपकी सरकार है और आपको अभी तक चाहे कोई सी भी सरकार आई हो, बीजेपी हो, आपकी भी हो, पहले भी पंजाब से राजस्थान को हिस्से का पानी अभी तक नहीं मिल पा रहा। देखो, ये इंटर स्टेट का मामला है तो ये थोड़ी सी दिक्कत तो रहती ही है। हर व्यक्ति कोशिश करता है कि मैं अपने क्षेत्र को पहले पानी दूं। इसी तरह से पंजाब भी ये कोशिश में लगा हुआ कि पहले मैं पंजाब को पानी दूं, इसके बाद सरप्लस पानी जो भी होगा उस पानी को हम राजस्थान को दें। लेकिन दोनों जगह पर सरकार हमारी है। मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी भी बात करेंगे, लेकिन जो राजस्थान के हिस्से का पानी होगा उसको हम लाएंगे। वहाँ पे क्षेत्र के किसान 6 बारी का पानी मांग रहे हैं राजस्थान के अंदर। कैसे व्यवस्था करेंगे पानी की? रबी का सीजन चल रहा है। एक बात हम सबको समझने की आवश्यकता है कि जो पानी हमारे टैंक में होगा या इंदिरा गांधी नहर में होगा वही पानी तो मिलेगा। मांग करना एक अलग विषय है, मांग तो कुछ भी आप कर लो। मैं भी अपने माही कमांड क्षेत्र में ही रहता हूँ और माही को मैंने बचपन से समझा है, पानी को मैंने समझा है। पानी कई बार प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। जितनी प्रकृति पानी बरसाएगी उतने हमारे डैम भरेंगे और जितने डैम भरेंगे हम उतना ही पानी किसानों को दे पाएंगे। इस बार पानी कम गिरा है, तकलीफ है, लेकिन फिर भी हम किसानों से बात कर रहे हैं, हमने पहले भी की है और आगे भी हम बात करेंगे। लेकिन जितना पानी होगा किसान के हक में उतना पानी किसान को हम देंगे। पंजाब से कोशिश करेंगे पानी का, कोशिश करेंगे पंजाब से कोशिश करेंगे। मैनेजमेंट बोर्ड में अपना सदस्य भी नहीं है काफी समय से, वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके मैनेजमेंट बोर्ड के अंदर भी हमारे सदस्य बिठवाएंगे हम। ठीक, थैंक यू। और इसके अलावा भी जैसे माही की बात है, आज हमने बात की है कि जो गुजरात को 40 TMC पानी जा रहा है उस पानी को